स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत कंपनियों का पैसा 2020 से बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंच गया। यह वृद्धि नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों ब्रांड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। हालांकि इस दौरान ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी सालाना आंकड़े से यह जानकारी मिली है। स्विस बैंकों में यह कोष भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए रखे गए हैं। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का सकल कोष 2019 के अंत में 89 करोड़ स्विस फ्रैंक था। यह 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुँच गया। इससे पहले लगातार 2 साल इसमें गिरावट आई। ताजा आंकड़ा 13 साल का सर्वाधिक है। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2006 में यह करीब 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड स्तर पर था। उसके बाद इसमें 2011, 2013 और 2017 को छोड़कर गिरावट आई। 2020 के अंत में भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंकों की कुल देनदारी 255.37 करोड़ CHF है। इसमें 50.9 करोड़ स्विस फ्रैंक से अधिक ग्राहक जमा के रूप में है। वहीं 38.3 करोड़ स्विस फ्रैंक अन्य बैंकों के जरिए रखे गए हैं। न्यास के जरिए 20 लाख स्विस फ्रैंक जबकि सर्वाधिक 166.38 करोड़ स्विस फ्रैंक ब्रांड प्रतिभूति और अन्य वित्तीय उत्पादों के रूप में रखे गए हैं। SNB ने कहा कि ग्राहक खाता जमा के रूप में वर्गीकृत कोष वास्तव में 2019 की तुलना में कम हुआ है। 2019 के अंत में यह 55 करोड़ स्विस फ्रैंक था। हालांकि दूसरे बैंकों के माध्यम से रखा गया कोष 2019 के 8.8 करोड़ स्विस फ्रैंक के मुकाबले तेजी से बढ़ा है। 2019 में चारों मामलों में कोष में आई कमी थी। ये आंकड़े बैंकों ने SNB को दिए हैं। यह भारतीयों द्वारा स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे जाने वाले काले धन के बारे में कोई संकेत नहीं देता है। इन आंकड़ों में वह राशि भी शामिल नहीं है जो भारतीय प्रवासी भारतीय या अन्य तीसरे देशों की इकाइयों के जरिए स्विस बैंकों में रख सकते हैं। SNB के अनुसार उसका आंकड़ा भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विस बैंकों की कुल देनदारी को बताता है। इसके लिए स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के सभी प्रकार के कोषों को ध्यान में रखा गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से बैंकों और कंपनियों से प्राप्त जमा शामिल है। इसमें भारत में स्विस बैंकों की शाखाओं से प्राप्त आंकड़े गैर जमा देनदारी के रूप में शामिल है। कुल मिलाकर स्विस बैंकों में विभिन्न देशों के ग्राहकों की जमा राशि 2020 में बढ़कर करीब 2000 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच गई। इसमें से 600 अरब स्विस फ्रैंक विदेशी ग्राहकों की जमा राशि है। सूची में ब्रिटेन अव्वल है। उसके नागरिकों के स्विस बैंकों में 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। उसके बाद अमेरिका के 152 अरब स्विस फ्रैंक का स्थान है। शीर्ष 10 में से अन्य वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लक्समबर्ग, कैमेन आइलैंड और बहामास हैं। भारत इस सूची में 91 स्थान पर है। ब्रिक्स देशों में भारत चीन और रूस से नीचे लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आगे है। इस बीच बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के आंकड़े के अनुसार 2020 में इस प्रकार का कोष करीब 39% बढ़कर $12.49 करोड़ पहुँच गया है। एक समय भारतीय और स्विस अधिकारी भारतीय के स्विस बैंकों में जमा के बारे में PIS के आंकड़े का ज्यादा भरोसेमंद मानते थे।